माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव ग्लैमर जोन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी अपनी सेहत का भरपूर ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लाई हूँ कि हम हेयर स्पा घर में कैसे कर सकते हैं। गाइस, जैसा कि हमें पता है कि हेयर स्पा हमारे बालों के लिए कितना अच्छा होता है और हमें इसमें कितने अच्छे हमारे बाल एकदम मुलायम हो जाते हैं और बहुत ही अच्छे होते हैं, हम इसे घर में बहुत ही आसान तरीकों से कर सकते हैं। बहुत ही आसान स्टेप है, जिस तरह हम किसी सैलून में जाते हैं और वहां हमें फेशियल के स्टेप्स होते हैं, पहले क्लीजिंग, स्क्रब और उसके बाद पॉलिशिंग एंड फेस पैक। गाइस, वैसे ही हम इसमें हेयर्स के लिए भी करेंगे। पहले हम हेयर ऑयलिंग करेंगे, उसे ओवरनाइट रखना है हमने अपनी हेयर ऑयलिंग करने पे, उसे स्टीम देंगे और देन हम अपना हेयर मास्क अप्लाई करेंगे। सो गाइस, बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, लेट्स स्टार्ट इट। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सबसे पहले डबल बॉइलिंग मेथड से ऑयल लेंगे अपने बालों के लिए। आप अपने लेंथ के अकॉर्डिंग ऑयल लीजिए, इसे हल्का सा गुनगुना होने दीजिए। ये देखिएगा, सबसे पहले हमने ऑयल अपने बालों के लिए अच्छे से ऑयलिंग करनी है गाइस, और पूरे रात हमने ओवरनाइट इस ऑयल को अपने बालों में रहने देना है। जब हम ऑयल लगा लेंगे तो उसके बाद हम अपने बालों को स्टीम देंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि हम घर पे स्टीम कैसे दे सकते हैं बिना स्टीमर की मदद से। बहुत ही आसान तरीका होता है। उसके बाद हम इस ऑयल को ओवरनाइट रखेंगे अपने बालों में, देन हम कल सुबह इसको बालों को अच्छे से वॉश करके फिर हम हेयर स्पा का आगे प्रोसेस चलाएंगे। तो चलिए, ये हो गया हमारा डबल मेथड से ऑयल गरम। सो फ्रेंड्स, अब हम अपने बालों में ऑयलिंग करेंगे। गाइस, आप ऑयलिंग करने से पहले ये जरूर ध्यान रखना कि आपके बाल पूरी तरह साफ हो। हमने ये पूरे प्रोसेस में अपने बालों में, अगर आपके एक दो दिन बालों को वॉश किए हुए हो गया है तो आप जरूर पहले बालों को वॉश कर लीजिए, उसके बाद ये प्रोसेस करें। अब हम अच्छे से स्कैल्प से लेके लेंथ तक हमें सारे में ऑयलिंग करनी है अच्छे से एकदम। और गाइस, इस स्पा के बाद आप खुद देखिएगा आपके बाल कितने अच्छे से मॉइस्चराइजिंग हो जाए मॉइस्चर हो जाएंगे, आपके बालों में एक अलग सी शाइन आ जाएगी। गाइस, बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे और आपके बाल एक कहते हैं ना पूरे हेल्दी बाल, वो आपको मिलेंगे अगर आप इसे हफ्ते में या महीने में दो बार कर लें। तो ये हेयर स्पा आपके लिए सफिशेंट है आपके बालों की हेयर ग्रोथ के लिए और रीग्रोथ के लिए। बहुत ही अच्छा हेयर स्पा है गाइस। सैलॉन्स में हमें बहुत ही कॉस्टली बैठते हैं हेयर स्पा, ये एकदम केमिकल फ्री है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देता है। आगे मैं आपको सारा कुछ बताऊंगी कि हम इसमें क्या क्या डालेंगे अपनी हेयर स्पा क्रीम बनाने के लिए और उनके हमारे बालों में क्या क्या बेनिफिट्स हैं, मैं सारा आपको डिटेल्स में बताऊंगी। ये वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी गाइस, पर मैं आपको हर प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में बताऊंगी कि वो हमारे बालों को क्या फायदा देगा और वो हमें अपने हेयर्स में क्यों यूज करना चाहिए। तो आप ये पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। आपने नीचे के बालों में जरूर ऑयल लगाना है, क्योंकि एंड्स काफी रफ होते हैं। अगर आपके दो मुहे बालों की प्रॉब्लम्स है तो ये प्रॉब्लम्स भी आपकी रिमूव हो जाएगी, चली जाएगी बिल्कुल भी। मैंने कईयों के बालों में देखा है गाइस कि कुछ टाइम तक तो प्रॉब्लम नहीं रहती दो मुहे की, लेकिन तीन तीन चार चार महीने में वापस लौट के आ जाती है। तो अगर आप ये चीज अपनी उसमें रेगुलर लेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी दो मुहे बालों की, और आपकी हेयर ग्रोथ भी काफी अच्छे से बढ़ेगी। देखिए गाइस, हमने अच्छे से तेल लगा लिया है। इसे बाद में आपको बताऊंगी कि हमने इसे स्टीम कैसे देनी है घर पे। सही नहीं होता कि सबके पास स्टीमर हो, बहुत ही आसान तरीका है इसे स्टीम देने का, वो भी मैं आपको समझाऊंगी।
स्टीम देने से हमारे सारे स्कैल्प के पोर्स खुल जाते हैं और जो हमारा ऑयल है वो बहुत ही अच्छे से हमारे स्कैल्प के अंदर तक जाके काम करता है। गाइस, मैंने यहाँ हर्बल ऑयल लिया था जो मैंने अपने आप घर पे तैयार किया है। अगर आपको ये वीडियो उसकी देखनी है तो मैं उसका लिंक दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लीजिएगा। अदरवाइज गाइस, आप कोई सा भी तेल ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल है, नहीं तो सरसों का तेल तो हो रहा ही, आप उससे भी अच्छे से मसाज कर सकते हैं। जो तेल आप लगाते हैं जिसमें कंफर्टेबल है वो तेल आप अच्छे से लगाइए, स्कैल्प से लेके नीचे तक। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने एक पतीला देखिए गर्म पानी ले लिया है, अब इसमें हमने ये डीप कर दिया। कोई भी पॉइंट टी शर्ट ले लीजिए गाइस, आप ये देखिए उतना ही गर्म पानी करना है आपने जितना सहन हो पाए। गाइस, अब अच्छे से अपने बालों को आगे की तरफ बना लें, ये देखिए, और इस टी शर्ट के अंदर ऐसे डाल दीजिए, ये देखिए। अच्छे से आप टाई कर लीजिएगा, ऐसा आपने कम से कम 5 से 7 मिनट करना है, 5 से 6 बार डीप करके लगाइए। उसके बाद ये ठंडा हो जाए तो फिर डीप कर लीजिए। ये बहुत ही आसान तरीका होता है अपने बालों को स्ट्रीम देने का। सो फ्रेंड्स, ये देखिए अब टी शर्ट ये ठंडी हो चुकी है, देखिए राइट। अब हम इसको फिर इस पर डीप करेंगे, देखिए ऐसा तकरीबन आप 5 से 6 बार करिए। ये देखिए इसमें आपके बाल अच्छे से कवर हो जाते हैं और बहुत ही अच्छे से स्टीम मिल जाती है गाइस। ये देखिए, सो इस तरह आपने स्टीम देनी है बालों को। फ्रेंड, यहाँ पे हम सबसे पहले लेंगे एक बनाना एलोवेरा जेल। अगर आपके पास प्लांट बेस है तो आप प्लांट बेस ले सकते हैं, मेरे पास प्लांट बेस नहीं है तो मैंने यहाँ मामा अर्थ का लिया है। 1 कटोरी दही, शहद, कस्टर्ड ऑयल और ऑलिव ऑयल, इससे हम अपनी स्पा क्रीम बनाएंगे। गाइस, बनाना बहुत हमारे बालों को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करता है, इसमें पोटेशियम मैग्नीशियम है और इसमें है नेचुरल ऑयल्स। ये हमारे बालों को ओवरऑल बालों की हेल्थ को काफ़ी अच्छा बनाता है और सॉफ्ट एंड शाइनी बनाता है। तो गाइस, यहाँ सबसे पहले हम इस बनाना को, आपने एकदम गला हुआ बनाना नहीं लेना है गाइस, क्योंकि उसमें वो प्रॉपर्टीज नहीं रहती है। एकदम जो डल जाता है उसमें शुगर की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है और वो हमारे बालों के लिए इतना हेल्दी नहीं होता है। आपने एकदम सही बनाना लेना है, ये देखिए गाइस। अब इसमें हम मिलाएंगे दही को, दही पहले हल्की सी ही मिलाएंगे या गाइस, और हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। फ्रेंड्स, जो दही है वो हमारे बालों को क्लींजिंग करती है और हमारी फॉलिकल ग्रोथ को ग्रो करती है और हम काफ़ी अच्छे इफेक्टिव होते हैं हमारे बालों के लिए, एकदम क्लींजिंग कर देगी, आपकी स्कैल्प एकदम साफ कर देगी। अगर डैंड्रफ वगैरह की कोई प्रॉब्लम है तो वो एकदम क्लीन हो जाएगी गाइस। अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से। गाइस, अब हम डालेंगे हनी। हनी कईयों का मानना होता है कि बालों को वाइट करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब एकदम झूठ बात है। ये हमारे बालों को मॉइस्चर देता है, नरिश करता है गाइस। ये हमारे बालों के स्कैल्प में मॉइस्चर को क्लॉथ कर देता है और हमारी हेयर ग्रोथ बढ़ाता है, क्योंकि इसमें एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारी स्कैल्प को क्लीन करती है, जिससे हमारे हेयर फॉलिकल्स ग्रो करते हैं, अच्छे से करते हैं और हमारी हेयर ग्रोथ बढ़ती है। तो गाइस, शहद हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए ये सब झूठी अफवाहें हैं, तो हम इस पर ध्यान ना देते हुए
इसमें हम डालेंगे शहद। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो गाइस आप शहद के बारे में पढ़ सकते हैं। इसके बाद गाइस हम डालेंगे 2 चम्मच एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल मैंने अच्छे से डाला है क्योंकि ये हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है गाइस। इसमें ग्लाइको प्रोटीन्स होते हैं जो हमारी स्कैल्प को ठंडक और आराम देते हैं। फ्रेंड्स एलोवेरा में प्रोटोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो स्कैल्प की डेड सेल को रिपेयर करते हैं। एलोवेरा हमारी स्कैल्प को मॉइस्चर और स्मूथनेस प्रदान करता है। और अगर आपकी कोई इचिंग है या कोई रेडनेस है आपकी स्कैल्प में तो वो भी ये दूर करता है गाइस। तो ये हमारे बालों के ओवरऑल बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट्स है गाइस। अब मैं कैस्टर ऑयल डालूंगी। कैस्टर ऑयल के बारे में मैंने आपको बहुत पहले बताया हुआ है और अपनी तकरीबन हर वीडियो में बताती हूँ। यहाँ हम 2 से 3 चम्मच कैस्टर ऑयल लेंगे। ये मेरा फेवरेट ऑयल है। अगर आप हेयर ग्रोथ चाहते हो तो इससे बढ़िया ऑयल कोई नहीं हो सकता। ये हमारे बालों को मॉइस्चर देता है, इसमें मॉइस्चर बैलेंस बना के रखता है पीएच लेवल इसका। बालों का आपका पीएच लेवल बिल्कुल जब ठीक रहेगा तो गाइस आपकी हेयर ग्रोथ भी बहुत अच्छी बढ़ेगी। और ये हमारे बालों के हेयर बूस्ट फॉलिकल हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें ये पूरा रिच है विटामिन ई का जो हम अपने बालों को देते हैं। तो गाइस इससे बेहतर ऑयल कोई हो ही नहीं सकता। उसके बाद गाइस हम डालेंगे यहाँ पे ऑलिव ऑयल। ये जैतून का तेल आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है गाइस, ये बहुत ही अच्छा होता है गर्मियों में। ये एकदम लाइट ऑयल है और ये बहुत ही लाइट ऑयल है गाइस। ये 3 ढक्कन हम डालें गाइस। जैतून के तेल में विटामिन ई होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारी स्कैल्प की भारी परत को सील करता है, जिससे हमारे बालों कोई भी नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया दूर रहते हैं, उनको ये हमारी स्कैल्प में नहीं आने देता। इससे हमारे बाल काफी स्ट्रांग होते हैं, चमकदार होते हैं गाइस। और ये काफी लाइट ऑयल है, एक फ्रूट बेस्ड ऑयल है, तो आप गर्मियों में इसका उपयोग काफी हद तक कर सकते हो। जिसको अपने सर पे भारी पंसा लगता है मस्टर्ड ऑयल वगैरह ला के, तो वो ये ऑयल आराम से लगा सकता है। बहुत ही लाइट ऑयल होता है गाइस, ये देखिए। तो अब हम इससे बनाएंगे अपने गाइस। मेरा पूरा रहता है कि मैं आपको हर प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से समझा पाऊँ। तो ये है हमारा हेयर स्पा का जो मटेरियल था, अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से। सो फ्रेंड, हमने देखिए बालों को वॉश कर लिया है गाइस। आपने एकदम क्लीन तरीके से वॉश करना है ताकि तेल आपके बालों में बिल्कुल ना रहे गाइस। मैं ये माइल्ड शैम्पू यूज करती हूँ, ये है आमला एंड भीमराज शैम्पू, खादी नेचुरल का। बहुत ही अच्छा शैम्पू है। कई बार क्या होता है, जो हर्बल शैम्पू हम यूज करते हैं वो अच्छे से झाग नहीं बनाते, तो हमें लगता है पता नहीं तेल निकला है कि नहीं निकला। पर ये वाला शैम्पू आपके फर्स्ट वॉश में ही सारा तेल निकाल देता है गाइस, और बहुत अच्छे से झाग बनता है इसमें। ये देखिए गाइस, पूरा तेल अच्छे से निकल चुका है हमारा। और यहाँ पे हमारी स्पा क्रीम भी तैयार हो चुकी है गाइस। आप पहले बालों को अच्छे से टॉन कर लेंगे, आपके बाल उलझे नहीं होने चाहिए। अब इसे हमने 2 पार्टीशन में बांट देना है। अब आप इसे जैसे भी कंफर्टेबल है, क्योंकि हमारी लिक्विड बनाए, ये देखिए गाइस कितना अच्छा बना है हमारा, ये देखिए। और ये आपके बालों को, जिनके बाल बेजान है ना गाइस, बहुत ही अच्छे से नरिश करेगा और बहुत ही अच्छी शाइन आएगी। देखिए गाइस, आपको ऐसे लगाना है इसको अच्छे से स्कैल्प से लेके और नीचे तक। इससे क्या होता है, हमारे पूरे बालों में ये सारी देखो क्रीम अच्छे से लग जाएगी। जब आप इस तरह कैसे करेंगे, आपने इस तरह ही पार्टीशन लेनी है और अच्छे से इस क्रीम को लगा देना है। अगर आप ये महीने में 2 बार भी करते हैं ना गाइस, आपके बालों में जितनी भी प्रॉब्लम्स है
सारी हट जाएगी, दो मुहे बालों की फ्रिजनेस, रफनेस, या बहुत ही सॉफ्ट और चमक वाले बाल हो जाएंगे आपके, बहुत शाइन अच्छी आएगी। गाइस एक बार आप जरूर इस्तेमाल कीजिएगा इस स्पा को। मैं जानती हूँ थोड़ी सी वीडियो लंबी बन रही है गाइस, क्योंकि शॉर्ट में समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है जब इतनी चीजें हम करते हैं और अच्छे से अगर उसकी नॉलेज नहीं होगी तो वो प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाती चीजें। और इसके अगर आपको बेनिफिट लेने हैं तो आपको पूरी वीडियो अच्छे से देखनी होगी ताकि आप अच्छे से इसका बेनिफिट उठा सकें। बहुत ही अच्छा स्पा हो जाता है गाइस, इस तरीके से आप करोगे तो बहुत ही अच्छे बाल हो जाते हैं। इस तरीके से आपने सारे बालों को अच्छे से एंड्स तक लगाना है गाइस, और इस तरीके से अगर आपके बाल सुलझे होंगे तो बहुत ही अच्छे से लगेगी क्रीम, और आपको पार्टीशन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए गाइस, इस तरीके से वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो अब मैं आपसे मिलती हूँ इसे लगाने के बाद। देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से हमारा मास्क क्रीम लग चुकी है पूरी तरीके से। अब हम इसको ट्राई कर लेंगे। गाइज यहाँ पे हमने एक स्टेप और करेंगे 10 मिनट के बाद। जैसा कि मैंने आपको हेयर ऑयलिंग के बाद बताया था, तो हम इसमें स्टीम देंगे ताकि ये हमारे पोर्स के अंदर तक हमारे बालों को मॉइस्चर प्रदान करे और हमारे बालों को बाल एकदम नरिश हो जाए और हमें पूरे बेनिफिट मिले इन प्रॉपर्टीज की। तो हम लगाने के 15 मिनट बाद इसमें स्टीम देंगे और आपको इसे 1 घंटा रखना है अपने बालों पे, और उसके बाद किसी भी माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लेना है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी स्टीम कैसे करनी है 15 मिनट बाद। सो फ्रेंड्स, अब हम करेंगे उसी तरीके से, आपने स्टीम लेनी है गाइस। 4 से 5 बार आप स्टीम लेंगे ऐसे, और जब तक ये ठंडा नहीं होता आप इसको ऐसे ही रखिए ताकि ये हमारे स्कैल्प में अच्छे से इनके प्रॉपर्टीज चली जाए। देखिएगा, और ये आपने तब करना है जब ये लिक्विड, क्योंकि हमारा लिक्विड फॉर्म में बना था वो बहना बंद हो जाएगा और थोड़ा ड्राई सा हो जाए तब आपने स्टीम लेनी है। सो फ्रेंड्स, देखा आपने कितना आसान था ये तरीका, और कितनी आसानी से हम घर पे ही अपना स्पा कर सकते हैं। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलती हो आपसे कुछ ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।